الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والشفع والوتر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما मोहतरम सामगों नौजवान साथियों मासूम बच्चों परदा नशीन ख़वात इस्लाम अल्लाह रब्लम हम सब का खालिक है मालिक है मुदबिर है अल्लाह रब्लम ही के हाथ में सारा खैर और सारी बरकतें हैं बेशुमार दरुदलाम नाजिल हो अल्लाह के तमाम अम्बिया और रसूल पर ख़ास कर अल्लाह के आखिरी नबी व रसूल जनाब महमद रसोल सल्ह सर अल्ला मसलिलहमद वायला महम्मद क़मा सल तैली इब्राहिम वायलाब्राहिम हमीदुम मजीद अल्लाबारिका महम्मद वाय महमद कम बबारक तै इब्राहिही वायलाब्राहिमाकमीद मजीद मोहतरम सामा रबालमीन ने अपनी मखलूक में से बाज मखलूक को ख़ास फ़जीलतें और बरकतें अता फ़रमाई हैं जैसा अल्लाह रब्लमी ने इंसानों में से अम्बिया कराम का इतखाब करके उन्हें ख़ास फ़जीलत और मकाम अता फ़रमाया है इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो ज़मीन है उसमें से भी जो जगहें अल्लाह रब्बुल आलमीन की मसाजिद के लिए मुंतखब कर ली गई हैं उन जगहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास मकाम और फजीलत और खैर वर का तत फरमाया है इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अयाम बनाए हैं जो दिन बनाए हैं उन दिनों में से भी अल्लाह ताला ने बाज अयाम को बाज़ महीनों को बहुत ही ख़ास मकाम खसूसी बरकत और फजीलत अता है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है अल्लाह रब्बुल आलमीन मखलूक़ात को पैदा फ़रमाता है और उनमें से कुछ मखलूक़ात को ख़ास मकाम ख़ास बरकतें अल्लाह आलमीन अता फ़रमाता है अल्लाह आलमीन ने जो एयाम बनाए हैं उनमें से जिलहिज के शुरू के जो दस दिन हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बहुत ही ख़ास फजीलत बहुत ही ख़ास मकाम और मर्तबा अता फ़रमाया है और ज़ाहिर सी बात है कि इसका मकसद ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों वाली बना सके अल्लाह आलमीन की इबादत वाली ज़िंदगी बना सके इसीलिए अल्लाह आलमीन ने बंदों को ये मौके अता फ़रमाए हैं कभी रमज़ान की शक्ल में कभी क़द्र की शक्ल में और कभी जिलहिज के इन दस अयाम की शक्ल में इन सब का मकसद ये है कि जब इंसान इन मुबारक अवकात को पाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए नकियाँ इकट्ठा कर सके और अल्लाह रब्बुल आलमीन की भरपूर इबादत कर सके क्योंकि इस दुनिया की जो शत है और आखरत की जो कामयाबी है उसकी बुनियाद ही नेकियां हैं आपकी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा नेक आमाल होंगे जितनी ज़्यादा नेकियां होंगी उतना ही इस दुनिया में आप पुरसकून जिंदगी गुजार सकेंगे और आखरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में दाखिल हो सकेंगे और उसके बिल्कुल बरक्स आपकी ज़िंदगी में जितना गुनाह होगा अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत होगी अल्लाह रबुआम की इबादत से दूरी होगी अल्लाह के फजल और रहमत से महरूमी होगी उतना ही ज़्यादा ये दुनिया की जिंदगी भी बहुत ही बुरी गुजरेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलना नामुमकिन होगा इसलिए एक मुसलमान को अल्ला रब्लम ये बार बार मौका ता फरमाता है अपने फजल की वजह से अपने रहमत की वजह से अपनी मेहरबानी की वजह से अपनी हमत की वजह से ताकि अल्लाह के ईमानदार समझदार बंदे अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपनी ज़िंदगी को नेकियों से भर सकें ताकि अल्लाह ताला उन्हें आखिरत में फिरदौस में जगह दे सके मोहरम सामीन अल्लाह रब्लम ने जिलहिज के इन दस दिनों को बहुत ही खास मकाम अता फ़रमाया है अल्लाह रब्लम ने इन दस दिनों का जिक्र क़ुरान करीम में भी किया है बल्कि अल्लाह ता ताला ने उन दस दिनों की कसम खाई है अल्लाह रब्लम ने शाद फरमाया वल्र वलयालनाश व शफ़ वलव्र की कसम है फ़ज्र की और कसम है दस रातों की ये जो दस रातें हैं वलयालिन है इससे मुराद जिलहिज के दस दिन हैं हैंज़रत अब्दुल्ल अबिन अब्बास रज़ील्ल्ला तुम ने इसकी तफसीर यही की है कि इससे मुराद जिलहिज के शुरू के दस दिन हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी कसम खाई है और अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ उन्हीं चीज़ों की कसम खाता है जिन चीज़ों का फ़ायदा बहुत बड़ा हो और जो चीज़ें अपने नफ़ा और ख़ैर और बरकत के अतबार से बहुत ही अजमत के हामिल हों और अल्लाह रबीन ने इन दस दिनों के अलावा भी और कई चीज़ों की कसम खाई अल्लाह ने क्या फरमाया वल फज्र कसम है फज्र की जाहिर सी बात है कि इस्लाम में फज्र का वक्त फज्र की नमाज और फज्र से पहले का जो वक्त है जिसमें अल्लाह रब्लम आसमानी दुनिया पर नाजिल होता है ये सब बहुत ही अहम तरीन है इसलिए अल्लाह रब्लम ने फज्र की कसम खाई उसके बाद अल्लाह रब्लम ने इन दस दिनों की कसम खाई उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व शफ़ वल वत्र जुफ्त की और ताक की यानी जो चीजें जोड़ा जोड़ा हैं उनकी कसम और जो चीजें एक हैं वित्र हैं उनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम फरमाई गोया पूरी मखलूक के अल्लाह ने कसम खाई और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वल्लैल इज़ा यस्र अल्लाह ने रात की कसम खाई रात भी बहुत बड़ी मखलूक है अल्लाह रब्लम का जो नज़ूल होता है आसमानी दुनिया पर वो रात में ही होता है तहजद की नमाज जो अल्लाह और उसके रसूल ने मशरू करार दिया है जिसमें बंदा अल्लाह रब्लम से बेहद करीब होता है वो भी रात के अंदर होती है रात के अंदर की जाने वाली इबादतें दुआएँ अल्लाह रब्लम अखलास की वजह से बहुत जल्दी कबूल फरमाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जिन जिन चीज़ों की कस्में खाई हैं वो चीजें ख़ुद अपने आप में बहुत बड़ी हैं उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दस दिनों की भी कसम खाई है ये इस बात की दलील है कि ये दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बहुत ही ख़ास हैं और बहुत ही नफा बख्श हैं इनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है इनकी बरकतें बहुत ज़्यादा है इनका खैर बहुत ज़्यादा है इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने इन दस दिनों को दुनिया के सबसे ज्यादा अफजल तरीन दिन करार दिया आपने फरमाया, कि दुनिया के सबसे अफजल तरीन सबसे ज्यादा फजीलत वाले जो दिन हैं वो ज़िलहिज के शुरू के दस दिन हैं अल्लाह के नबी बयान इस बात की दलील है कि पूरे साल के जो सबसे ज़्यादा अजीम दिन है बरकत वाले दिन है फजीलत वाले दिन है नफा बख्श दिन है वो जिलहिज के शुरू के यही दस दिन है एक तारीख से लेकर के दस तारीख़ तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस रसूल में इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को इन दस दिनों के अंदर नेक आमाल इतने ज़्यादा महबूब हैं कि उतना ज़्यादा किसी भी दिन में महबूब नहीं हत्या कि अगर रमज़ान के शुरू के आप अयाम देखेंगे तो उनमें भी अल्लाह रबीन को इतना महबूब नहीं जबकि हमारी मस्जिदें उनमें भरी रहती है आप क्या फरमाते हैं अशर आपने फरमाया कि अल्लाह को इन दस दिनों में सबसे ज्यादा अमल साले महबूब है जब आपने इस तरह से फरमाया तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि क्या अल्लाह की राह में लड़ाई करना भी उतना महबूब नहीं है तो आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में लड़ाई करना भी उतना महबूब नहीं है मगर कोई ऐसा आदमी हो जो अपनी जान अपनी अपना माल सब कुछ लेकर अल्लाह आलमीन की राह में निकले और वापस ही ना लौटे वो आदमी का मकाम बढ़ा हुआ है बाकी उसके अलावा कोई भी दिन पूरे साल में ऐसा है ही नहीं जिसमें अल्लाह आलमीन को इसके बिलमकाबिल अमल सालेह पसंद हो इसके अंदर जो भी नेकी आप करेंगे अल्लाह आलमीन को वो नेकी सबसे ज्यादा महबूब होगी और उसका अजर भी आपको सबसे ज्यादा मिलने वाला है और उसकी वजह है चूंकि इन दस दिनों के अंदर दो बहुत बड़े दिन मौजूद हैं एक है आराफा का दिन, नौ जिलहिज, ये हज के अयाम चल रहे हैं और एक हाजी के लिए आराफा के अंदर क्याम करना वहां ठहरना दुआ करना इस्तफार करना और पूरा दिन वहां गुजार देना आपने फरमाया अलहज आराफा कि आराफा में ठहरना ही दरअसल हज है यानी हज का बहुत बड़ा काम है अगर आराफा के अंदर ठहरना छूट गया तो वो हज ही छूट गया वो आरफा का दिन इन्हीं दस दिनों के अंदर मौजूद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्ह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल रब्लम आरफा के दिन बंदों को सबसे ज्यादा जहन्नम से आज़ादी अता करता है उससे ज्यादा आज़ादी का दिन कोई है ही नहीं अल्लाह रब्बुल रब्लम हाजियों से करीब होता है अरफात के मैदान में जो लोग ठहरे हैं उनसे करीब होता है और अपने फरिश्तों के दरमियान इन पर फख्र करता है और फरमाता है मा आराधा उलाई कि इन लोगों को क्या चाहिए जिन्होंने अपना मुल्क छोड़ दिया अपने घर बार छोड़ दिए अपना पैसा लगा करके अपना वक्त निकाल करके यहाँ पर चल करके आज मैदान अरफात में मौजूद हैं माँ अराधा उलाई इनको क्या चाहिए अल्लाह आलमीन को मालूम उनको क्या चाहिए अल्लाह रब्लम उन्हें वो अता करता है उन्हें आज़ादी अता करता है उन्हें मगफरत अता फ़रमाता है उनका हज कबूल फरमाता है उनके गुनाहों को पाक साफ कर देता है ये अल्लाह रब्लम उन्हें अता फ़रमाता है ये आरफा का दिन भी इन्हीं दस दिनों के अंदर मौजूद है इसी तरह से अल्लाह के नबी सल फरमाते हैं आपसे सवाल किया गया आरफा के रोज़े के बारे में तो आपने फरमाया कि जो आरफा का रोजा है ये एक रोज़ा दो साल के गुनाहों की मुआफी का जरिया है योक सनतल माविया वल बाकिया, जो एक साल गुजर गया वो और जो आने वाला एक साल दो साल के गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आरफा के दिन के रोजे के बदले मुआफ फरमा देता है ये आरफा का दिन इसी के अंदर मौजूद है अल्लाह के नबी सला फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन दुआ आरफा की दुआ है और सबसे बेहतरीन कलिमा जो मैंने कहा और मुझसे पहले सारे नबियों ने कहा वो है ला लहू लहुल मुल्क वह उमद वहू क़दीर। ये आरफा का दिन इसके अंदर मौजूद है इसी तरह से इन्हीं दस दिनों में यौम नहर का दिन मौजूद है क़ुरबानी का दिन दस जिलहिज जिसके अंदर हाजी कुर्बानी करता है कंकरी मारता है अपने बालों का हलक या कसर कराता है और इसी दिन वो तवाफ जियारत करता है बेतुल्लाह का तवाफ करता है ये दस ज़िलहिज़ को होता है और इसी दस ज़िलहिज़ का नाम है अल हजुल अकबर सबसे बड़े हज का दिन ये दस जिल्हज का नाम है इसी दिन सारी दुनिया में मुसलमान ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह रब्बुल रब्लामीन के लिए कुरबानी पेश करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्हरते हैं इन आज़म इन तबारो मुन्हर यो मुलर कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा आज़मत वाला दिन ये क़ुरबानी का दिन है वह दिन भी इन्हीं दस दिनों के अंदर मौजूद है इसे आप और हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये दस जो दिन हैं ये बहुत ही ज्यादा खैर और बरकत और फजीलत वाले दिन हैं। जब एक मुसलमान को ये बरकत वाले दिन मिले तो उसे क्या करना चाहिए ये सबसे बड़ा सवाल है ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब आपको इस तरह के मुबारक मौके मुबारक अयाम मुबारक जगहें आपको जब मैसर हों तो आपको क्या करना चाहिए आप मस्जिद में जा रहे हैं आपको मुबारक जगह मिल रही है तो आपको क्या करना चाहिए आप यहां से सफर करके मस्जिद हराम में पहुंच रहे हैं आपको एक बरकत वाली जगह मिल रही है तो आपको क्या करना चाहिए इसी तरह से आप यहां पर मौजूद हैं और आपके सामने पूरे साल का सबसे बाबर का दस दिन शुरू हो रहा है तो आपको इसमें क्या करना चाहिए सबसे बड़ा सवाल है हमें यही समझना है देखिए सबसे पहली बात यह कि एक इंसान की जिंदगी में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है उसका गुनाह अगर आपकी जिंदगी में गुनाहों की नहूसत मौजूद है तो आप नेकियों से महरूम रहेंगे आपका दिल अल्लाह से करीब होने से महरूम रहेगा आपके दिल में आखरत की और जन्नत की तलब पैदा नहीं होगी इसलिए अपनी इस रुकावट को सबसे पहले खत्म करना है अल्लाह आलमीन से तौबा करना है अल्लाह आलमीन से खालिस सच्चा तौबा करना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है लेकिन जब बंदा तौबा कर लेता है तो वो नुक्ता साफ हो जाता है उसका दिल चमकदार हो जाता है तौबा करने की वजह से जो गुनाह का स्याह नुक्ता दिल पर पड़ गया था वो साफ हो जाता है मिट जाता है और दिल तौबा करने की वजह से चमकदार खूबसूरत पाकिजा हो जाता है तो हमें इन अयाम को पाने से पहले ही अल्लाह आलमीन से सच्ची तोबा करना है खालिस तोबा करना है अपने गुनाहों से अल्लाह आलमीन से मुआफ़ी मांगना है और जो सबसे बड़ा अमल है वो हमें करना है सबसे बड़ा अमल क्या है सबसे बड़ा अमल है अपने ईमान की तजदीद करना अपने ईमान का जायजा लेना कि हमारे ईमान में शिरक तो नहीं मिला हुआ है हमारे ईमान में कुफ्र तो नहीं मिला हुआ है हमारे ईमान में शक तो नहीं मिला हुआ है क्योंकि अगर ईमान में खराबी है तो आपका कोई भी अमल कबूल नहीं होगा इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किया गया कि अमल अफजल कि सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल कौन सा है तो आपने फरमाया ईमान बिल्लाह व रसूली कि अल्लाह आलमीन पर ईमान और उसके रसूल पर ईमान यानी अपने ईमान का जायजा लेना है उसमें शिर्क तो नहीं है क्योंकि शिर्क से आपका अमल बर्बाद हो जाएगा उसमें कुफर तो नहीं है उसमें शक तो नहीं है कहीं आप इल्हाद का शिकार तो नहीं है अपने दिल को पाक साफ करना है अपने दिल को ईमान से भर देना है अपने ईमान का जायजा लेना है ताकि आप जब इन दस दिनों का मुकाबला करें उसका इस्तकबाल करें तो आपकी ज़िंदगी में गुनाह ना हो या गुनाह कम हो आपने उससे तौबा कर लिया हो और आपका ईमान ईमान खालिस हो ताकि आप उसकी बुनियाद पर जो भी अमल करें अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका वो अमल कबूल फ़रमाए कितने सारे मुसलमान ऐसे हैं जो अपने ईमानदार होने के इकरार के बावजूद वो शिरक में मुबला है ज़ाहिर सी बात है शिरक की मौजूदगी में उनका कोई भी अमल कबूल नहीं होगा तो पहला काम हमें करना है कि अल्लाह रबालमी से तोबा करना है अपने ईमान का जायजा लेकर के उसे खालि बनाना है अकीदे की खराबियों से अपने आप को दूर रखना है दूसरी बात जैसा कि उस हदीस में बयान किया गया कि इन दस दिनों में सबसे ज्यादा अमल साले अल्लाह को महबूब है तो जो भी अमल सवाल है जो भी नेक अमल है आपको नेक अमल को इसके अंदर भरपूर तरीके से मेहनत के साथ अंजाम देना है जिसके तीन हिस्से हो सकते हैं सबसे पहली चीज कि आपको फराइज अच्छी तरह से अदा करना है अल्लाह आलमीन ने जो आप चीज़ें फर्ज करार दिया है उन फराइज को पूरे आदाब के साथ पूरी तवज्जो के साथ अदा करना है दूसरी चीज जब आप फराइज अदा कर रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा नवाफिल का एहतमाम करना है नफली काम करना है नेकी के काम करना है खैर के काम करना है और तीसरी चीज है अपने आप को गुनाहों से दूर रखना है आपको अपना जायजा लेना है कि कौन कौन से गुनाह हैं जो आपकी जिंदगी में दाखिल हैं अपने आप को उन गुनाहों से दूर रखना है इस तरह से आपको इन अयाम में ज्यादा से ज्यादा नेक अहमाल अंजाम देना है तीसरी चीज हमें एक जिलहिज से लेकर के तेरह जिलहिज तक तकबीरात का अहतमाम करना अल्लाह रब्बमीन की बड़ाई का जिसके बहुत सारे सेगे मौजूद हैं आप उनमें से कोई एक सेगा भी इख्तियार कर सकते हैं जिसमें अल्लाह हरब्लामीन की बड़ाई का इकरार है अल्लाकबर 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 ला व्ला अकबर अल्ला अकबर वलिला ये तकबीरात आपको एक जिलहिज से लेकर के तेरह जिलहिज की शाम तक कहना है अल्लाह की बड़ाई अल्लाह की किबरियाई अल्लाह आलमीन की अजमत ये ये काम है बाकायदा ये आपकी जबानों पर जारी रहने चाहिए जो मर्द हजरात हैं उनकी आवाज बुलंद होनी चाहिए और जो औरतें हैं उन्हें धीमी आवाज़ में कहना चाहिए लेकिन यह अपनी जबानों पर जारी रखना चाहिए हज़रत अब्दुल्लाबिन उमर रजी अल्लाह तरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ये अशरे जिलहिज्जा के अंदर बाजार की तरफ निकलते और बावाज़े बलंद तकबीरात कहते और जो लोग भूले रहते गफलत में रहते वो इनकी तकबीर को सुन करके तकबीर कहने लगते यानी ये मुसलमानों के दरमियान एक मरूफ बात थी कि हमें तकबीरात का एहतमाम करना है आपको या हमें इसमें शर्माना नहीं है क्योंकि लोग शर्म की वजह से तकबीरात नहीं कहते उन्हें लगता है कि नहीं कहना चाहिए हालाँकि एक बहुत बड़ी इबादत है अल्लाह आलमीन के लिए तकबीरात का एहतमाम करना तो हमें इन तेरह दिनों में एक ज़ से लेकर के तेरह जल्हिज तक हमें तकबीरात का अहतमाम करना है अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करना है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तेरह दिनों का जिक्र कुरान में किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लहुम व अला मा रज़क़हुम महार उन्हें चाहिए कि अपने नफा बख्श कामों के लिए वो वहां पर हाजिर हों और अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम ले किसमें अयाम मालूम में मालूम दिनों में इन मालूम दिनों से मुराद जिलहिज के दस दिन हैं और अल्लाह रबालमी ने दूसरी जगह फरमाया वहाँ पर अल्लाह ताला ने तयाम तशरीक का नाम अयाम महदूदात कहा है यानी ये अयाम महदूदात से मुराद अयाम तशरीक है एक जिलहिज से लेकर के तेरह जिलहिज तक हमें इन तकबीरत का अहतमाम करना है इसी तरह से चौथा काम यह है कि जो आदमी क़ुरबानी करना चाहता है उसे चाहिए कि वो एक जिल्हिज से ही जब वो जिलहिज का चांद देख ले तो अपने नाखून और अपने बाल ना काटे अपने नाखून अपने बाल अपने जिस्म के जिल्द को बिल्कुल भी ना काटे ये उस शख्स के लिए जरूरी है जो आदमी कुर्बानी करने का इरादा रखता है मान लो एक आदमी का इरादा है कुर्बानी करने का वो अपनी तरफ से करेगा अपने बीवी अपने बच्चों की तरफ से करेगा पूरी फैमिली की तरफ से करेगा तो सबको अपने नाखून बाल से नहीं बचना है बल्कि जो, जो जिम्मेदार है जो असल मालिक है घर का जो जानवर खरीद कर ला रहा है और अपनी पूरी फैमिली की तरफ से कर रहा है सिर्फ उस जिम्मेदार के बारे में यह हुक्म है आपने फरमाया अं फल कि जब तुम में से कोई आदमी जिलहिजा का चांद देख ले और उसे कुर्बानी करने का इरादा हो तो वो अपने आप को रोक ले इस बात से कि वो अपने नाखून और बाल को काटे यानी उस आदमी को नहीं काटना ये इसका एहतमाम करना है पांचवी चीज है इन दस दिनों के अंदर जो सबसे अजीम तरीन अमल है वो है हज या उमरा करना हज या उमरा करना जो लोग जा चुके हैं उन्हें अल्लाह रब्मिन ने तोफ़ी कदा फरमाई उनके हज को कबूल फ़रमाए उनके उम्रा को कबूल फ़रमाए आपने फरमायामरतफ़ारतलमा बई नुमा कि एक उम्र दूसरे उम्रा के बीच का जो टाइम है अल्लाह रब्लम उसे कफ़ारा बना देता है अल्हजलमबरूर लई सलहु जजाउन जन्ना और जो हज मकबूल है उसका बदला सिर्फ जन्नत ही है तो ये बहुत बड़ा अमल है अगर किसी आदमी को अल्लाह रब्बुल इसकी रबी फरमाता है तो गोए अल्लाह रब्बुल रबी ने उसके लिए खैर का बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया है इसी तरह से हमें अरफा के दिन का रोज़ा रखना है जो आरफा का दिन है उस दिन रोजा रखना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किया गया तो आपने फरमाया आरफा का रोजा ये दो साल के गुनाहों का कफारा है इसी तरह से चूंकि रोज़ा ये बहुत बड़ा नेक अमल है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमी ने क्या फरमाया व अना अजजी ही इसलिए एक आदमी को चाहिए कि वो एक झलहिजा से लेकर के नौ जिलहिज तक पूरे नौ रोज़े रखे अराफा का एक रोज़ा और आठ रोज़ा ये नफली रोज़ा क्योंकि रोज़ा रखना बहुत बड़ा नेकी का अमल है इसलिए इन नौ दिनों में भी हमें रोज़े का एहतमाम करना चाहिए और एक और अमल है कुर्बानी के दिन वो है कुर्बानी करना और ईद की नमाज मर्द और ख़वातीन दोनों का अदा करना यानी जिस तरह मर्दों को ईद की नमाज अदा करना है वैसे ही औरतों को भी ईद की नमाज़ अदा करना है और इसी दिन कुर्बानी भी करना है और पहले दिन योम नहर के दिन कुर्बानी करना यही सबसे अफजल तरीन अमल है क्योंकि अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं कि इन आज़मलिया में तबार के बतला योम नहर कि अल्लाह रबालमीन के नज़दीक सबसे ज्यादा आज़मत वाला दिन ये क़ुरबानी का दिन योम नहर है यानी दस झल्हिजा है बाज लोगों के पास एक बकरा होता है लेकिन वो तीसरी को करते हैं वो पहले दिन नहीं करते ये सही तरीका नहीं है क्योंकि जो अफजल दिन है जो सबसे बड़ा दिन है जिसे योनहर कहा गया है वो दिन दस जिलहिज्जा को है इसलिए हमें दस ज़िलहिज्जा को ईद की नमाज पढ़ने के बाद उसी दिन कुर्बानी करने का खसूस एहतमाम करना चाहिए क्योंकि वही दिन सबसे बड़ा दिन है इसी तरह से आखिरी बात कि हम सबको चाहिए कि हम और आप इन पूरे अयाम में अल्लाह रब्बुल रब्बालमीन का कसरत के साथ जिक्र करें अल्लाह रब्लमी रब के लिए तकबीरत भी कहें और अल्लाह रब्लमीन का ख़ूब खूब जिक्र करें क्योंकि जो सयाम तशरीक़ है जिसमें खाने पीने के दिन हैं उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं तशरीक हैंम अकलिन व शुरबा व ज़िक्रिल्ला कि जो अयाम तशरीक है वो खाने पीने के दिन हैं और अल्लाह रब्लमी के जिक्र के दिन हैं लिहाजा हम सबको चाहिए कि हर आप इन अयाम का इस्तकबाल करें और उसमें कसरत के साथ नेक करें अल्लाह रब्बुल रब्लमी से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फ़रमाए ऐ अल्लाह हम में से जो बीमार हैं अल्लाह ताला ते शिफात फ़रमाए जो लोग हज पर गए हुए हैं अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फ़रमाए हम में से जो लोग परेशान हाल है अल्लाह रब्बुल रब्लम उनकी परेशानियों को दूर फरमाए अल्लाह ताला तब को पूरी ज़िंदगी अपनी खालिस इबादत की तौफीक अता फरमाए हमें जब तक ज़िंदा रखे ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रखे और जो हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान और इस्लाम पर हो